कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन एंड चले इट्स बिन अ वीक, तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग राइट ग्रेड फाइव. तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाएं, इंग्लिश की बुक्स उठाएं बिकॉज ये आपकी इंग्लिश की क्लास है. ओके, पेज नंबर 7, यूनिट नंबर 1. Okay, grade 5, go and grab your books and pencils as well. Pencils साथ में लेके आए क्योंकि आज जितना भी काम है तो वो written है, ठीक है? Activities है सारी, तो आप please जाके English की books अपनी लेके आए. Go fast. Parents, अगर मुझे सुन रहे हैं तो please make sure कि जब ये लोग class ले रहे हैं video के through, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर चेक करें कि बच्चा जो इंस्ट्रक्शंस वीडियो में दिए जा रहे हैं उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा. और दूसरा ये कि जैसे कि आज मैं रिटर्न वर्क करवा रही हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कि बस इतना मेक श्योर कर लें कि हाँ वो ये चीज़ें नोट डाउन किए जा रहा है और जो एक्टिविटीज़ टीचर के साइड से दी गई हैं तो वो कम्प्लीट हो रही हैं. चलें ग्रेड 5, लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 7 पे इंग्लिश की बुक, यूनिट नंबर 1, वर्ड स्टडी, राइट. इसमें क्वेश्चन नंबर ए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, दैट इज कंप्रिहेंशन. फाइंड द वर्ड्स इन द लिस्ट दैट मीन द सेम एज दोज इन द टेबल. ठीक है, अब आपको एक लिस्ट मिली हुई है, राइट बेटा. ऊपर ये जो ग्रीन बेल्ट में जो वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है, वो आपके पास लिस्ट है और नीचे आपके पास टेबल है 1 से लेके 10 तक. ठीक है, अब ये जो लिस्ट है और नीचे जो टेबल है, इन दोनों में वर्ड्स सेम सेम है, उनका मीनिंग सेम है. ठीक है, मीनिंग सेम इन द सेंस के मतलब एक ही मीनिंग रखते हैं वो. ठीक है, जैसे नंबर 1 पे आप देखो रिमेंबर लिखा हुआ है. रिमेंबर किसको कहते हैं? याद करने को. तो आप ऊपर देखें लिस्ट में 4th नंबर रिकॉल, रिकॉल भी याद करने को ही कहते हैं. ठीक है, तो उन्होंने रिमेंबर के सामने रिकॉल को लिख दिया है, आपने भी इसी तरह ही करना है. इसमें से मैंने 4 सॉल्व करके दिए हैं, ठीक है, बाकी जो 5 रहते हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं. लिस्ट में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग्स मैंने आपको लिख के दे दिए हैं उर्दू में, ताकि आपको समझ आए. हाँ, अगर आपको समझ नहीं आती प्लीज़ अपने अम्मी या अबू से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको हेल्प कर दें. मैं लिस्ट आपको रीड करके दे देती हूँ एक दफ़ा. बिग, बड़ा, फ्यूरियस, गुस्सा, सीकिंग, देखना, रिकॉल, याद करना, फेयरली, तकरीबन, ट्रेम्बल, हिलना, रॉब, चोरी, स्टार्टेड, शुरू करना, गैदरिंग, इकट्ठा होना, एनिमी, दुश्मन. ठीक है, ये आपकी लिस्ट के वर्ड्स हैं. अब हम नीचे देखेंगे. एंग्री, नंबर 2, एंग्री. एंग्री का मतलब गुस्सा होना है. अब ऊपर वाली लिस्ट में चेक करें कि गुस्सा होना और कहाँ पे है, ठीक है, तो वो अपने सामने लिख देना है. अभी देखिए जो मैंने सॉल्व किए मैं सिर्फ वो बताऊंगी, बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं. नंबर 4 पे देखिए स्टील. स्टील मींस किसी चीज़ को चुराना. अब अगर आप ऊपर लिस्ट में देखो तो जो रॉब के ऊपर मैंने चोरी लिखा हुआ है, ठीक है, तो दीज आर सेम ना, एक ही बात है. तो स्टील के सामने मैंने क्या लिखा है? रॉब. ठीक है, नंबर 5 पे आ जाते हैं शेक. शेक जब आप किसी चीज़ को हिलाते हो ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, ऊपर नीचे, जैसे दवाइयों को आप पीने से पहले ऐसे शेक करते हो, ठीक है, शेक का मतलब हिलना. तो ऊपर लिस्ट में देखिए ट्रेम्बल का मतलब भी है हिलना, मूव करना, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी मूव करना, ठीक है, आगे पीछे जल्दी जल्दी. तो ट्रेम्बल और शेक एक जैसे हैं, तो मैंने शेक के सामने किसको लिखा है? ट्रेम्बल को. ठीक है, अब नंबर 6 पे है फो. नंबर 6 पे फो. फो मीन्स दुश्मन. ठीक है, ऊपर वाली लिस्ट में जो लास्ट वर्ड है एनिमी, उसका मतलब भी दुश्मन है. ठीक है, तो मैंने फो के सामने क्या लिखा है? एनिमी. नंबर 10 पे देखिए फेयरली, क्वाइट. अब ये फेयरली जो है ये मैंने ऊपर लिस्ट से लिया हुआ है और क्वाइट जो है ये मेरे पास था, दोनों का मतलब है तकरीबन. ठीक है बेटा, तो इनमें से आपने जिस जिस का मीनिंग सेम हो उस वर्ड को सामने लिख दें, बॉक्स में लिख दें, उसी बॉक्स में लिख दें. ओके, हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही आप प्लीज़ अम्मी अबू को कह दें, वो आपकी हेल्प कर देंगे.
चलो दिस इज आवर फर्स्ट एक्टिविटी, बाकी ये 5 ब्लैंक्स आपने फिल करने हैं। ओके बेटा, फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा आप स्कूल आ जाएंगे तो फिर टीचर चेक करेगी। एक्टिविटी नंबर 2 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 मैं आपको रीड करवा देती हूँ। वोकैबुलरी, रिंग द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि आपको होती है, ठीक है, उस लिस्ट में आपने जो ऑड वन होता है, ऑड यानी जो उस लिस्ट का अपना नहीं होता, ठीक है, मैचिंग नहीं, मैच नहीं करता, अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसको आपने उस लिस्ट से निकालना है। फॉर बोला तो फिंगर क्या है, बॉडी पार्ट है ना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, कितने ही वो तो इस लिस्ट के साथ बिल्कुल मैच ही नहीं करता। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी एक लिस्ट है। आप फर्स्ट लिस्ट में जहाँ पे मैंने रेड लाइंस की हुई, आप ज़रा इसको देखो, फर्स्ट वन में है बर्ड, लीफ, ट्रंक, ब्रांच, बार्क, रूट्स। अब आप देखो, रूट्स, बार्क, ब्रांच, ट्रंक, लीफ, ये सारे पार्ट्स ऑफ क्या है, ट्रीज। जो ट्री होती है उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसके रूट्स होते हैं, उसकी जो बॉडी होती है उसको बार्क बोलते हैं, और ट्रंक होता है उसमें लीव्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स ऑफ ट्री है। लेकिन जो बर्ड है, इज इट अ पार्ट ऑफ ट्री? नो, इट्स नॉट। इसीलिए हमने बर्ड के लिए क्या किया है, सर्कल। ठीक है, इसी तरह आपने बाकियों में से भी सर्कल आउट करना है कि कौन सा जो है वो यहाँ पे मैच नहीं करता। मैं आपको वर्ड्स एक्सप्लेन करवा देती हूँ। एंग्री यानी गुस्सा होना, अनहैप्पी यानी खफा होना, ग्रम्पी। अच्छा, ग्रम्पी, ग्रम्पी मीन्स जब आप ऐसे गुस्सा, इल टेम्पर्ड जब आप होते हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, ग्रम्पी के बाद है क्रॉस। क्रॉस मीन्स खुदा, एक्सप्लेनिंग यू सम अदर वर्ड्स जो कि नंबर 2 पे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ। मैं वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करवा दूंगी, फिर आपको जो आपको लगता है कि ये इस लिस्ट में मैच नहीं करता तो उसको आपने सर्कल आउट करना है। ओके, नंबर 2, एंग्री गुस्सा होना, अनहैप्पी खफा होना, ग्रम्पी जल्दी जल्दी जो गुस्सा आता है, इल टेम्पर्ड जिसको कहते हैं। क्रॉस, क्रॉस मीन्स भी गुस्सा होना, खफा होना, खफगान और गुस्से की मिक्स हालत होती है। जॉयफुल, खुश होना, एंड फ्यूरियस यानी गुस्सा होना। ठीक है, अब आप इस सब में देखो तो बहुत सारी वोकैबुलरी में क्या है, गुस्सा है और सैडनेस है। अब आप देखो इसमें एक हैप्पी फीलिंग है, उसका क्या नाम है और उसको सर्कल आउट करो। ठीक है, अच्छा नंबर 3 आ जाते हैं। नंबर 3 पे डॉक्टर, आप सब जानते हो डॉक्टर कौन होता है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स एक बीमारी का नाम है। ठीक है, जो जब आप छोटे होते हो, आप मोस्टली बच्चों को हो भी जाती है। ठीक है, ऐसे मुंह पे डॉट्स आ जाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। हेडेक, हेडेक मीन्स सर में दर्द होना। वोमिटिंग, वोमिटिंग मीन्स उल्टी करना। फ्लू, जुकाम। मीजल्स, मीजल्स भी एक बीमारी का नाम है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो, चिकन पॉक्स, हेडेक, वोमिटिंग, फ्लू, मीजल्स, ये सब क्या हैं, बीमारियां हैं। बट डॉक्टर, क्या डॉक्टर एक बीमारी है? अगर है तो फिर तो ये इस लिस्ट का अपना बंदा है। लेकिन अगर डॉक्टर एक बीमारी नहीं है तो आप फिर इसको सर्कल आउट करो, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर मैच नहीं करता। नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 पे है बीफ, बड़ा गोश्त। मटन, जो छोटा गोश्त शायद जिसको कहते हैं, बकरे का गोश्त जो होता है। ठीक है, फिश, फिश मछली का गोश्त। व्हील, व्हील जो काफ, काफ का जो गोश्त होता है। ठीक है, ये भी छोटा गोश्त ही होता है एक किस्म का। चिकन यानी मुर्गी। ठीक है, एंड पोटैटोज। अब आप इस लिस्ट में देखो, पोटैटोज मीन्स आलू। अच्छा, तो इस लिस्ट में चेक करो कि सारा गोश्त है। ठीक है,
ठीक है, एक वेजिटेबल का नाम है, तो क्या वेजिटेबल गोश्त के साथ मैच करती है? नहीं करती, तो उसको सर्कल आउट करें, शाबाश। नंबर 5, कार्डिगन। कार्डिगन स्वेटर को कहते हैं। ड्रेस, ड्रेस आप जानते हो, सूट या जो आप कोई भी क्लॉथ आप पहनते हो। ट्राउजर्स पैंट्स को बोलते हैं, ठीक है, जो बड़ी पैंट होती है थोड़ी सी। हैट टोपी को कहते हैं। स्कर्ट, स्कर्ट जो होती है वो लहंगा जो होता है, ठीक है, शॉर्ट लहंगा होता है, लंबा लहंगा होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्कर्ट के। एंड शर्ट, शर्ट जो कमीज होती है, ठीक है। अब इस सब में देखो, क्रिस्प जो होते हैं वो क्या स्वीट्स होते हैं? नहीं होता ना वो स्वीट, वो तो सॉल्टी होता है, और बाकी सारे क्या है? स्वीट्स है। तो जो ऑड वन है, यानी जो डिफरेंट वन है, उसको आप शाबाश पॉइंट आउट करो, सर्कल निकालो, ठीक है। ये अब आप ये सब आपने अपनी बुक में अटेम्प्ट करना है बच्चे, ठीक है मेरी जान। चले लेट्स कम टू द एक्टिविटी नंबर सी, ठीक है। एक्टिविटी नंबर सी में हमारे पास है वर्ड स्ट्रक्चर। चूज द लेटर स्ट्रिंग दैट फिल्स ऑल द वर्ड्स इन ईच रो, ठीक है। आपके पास लाइंस दी गई हैं, लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3, 4, 5, ठीक है। अब आपने ऊपर अगर आप देखो, आपको एक लिस्ट दी गई है, ठीक है, जिसमें 2 या 3 वर्ड्स लिखे हैं। अगर आप लिस्ट को चेक करो तो उसमें है डबल ओ ए आई एल एफ आर ओ ओ आर एन ए एन, ठीक है। अब जो आपके पास ये जो नीचे जो लाइंस दी गई हैं, इसमें आपने फिलिंग करनी है ताकि आपको राइट वर्ड मिल सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 में देखें, मैंने एफ ए आई एल, आई ए एल मैंने ऊपर से लिया है, ठीक है, और उसको मैंने नीचे लगा दिया है ब्लैंक्स में, तो उसका मैंने क्या कर दिया है? फेल्ड, ठीक है, क्या बन जाएगा? फेल्ड। यही आई ए एल, ए आई एल अगर आप उठाएं, ए आई एल सॉरी, ए आई एल को अगर आप उठाएं और एम के साथ लगा दें, एन के साथ, एम के साथ जो 3 ब्लैंक्स हैं, तो एम ए आई एल क्या बन जाएगा? मेल, ठीक है। तो मेल तो आप जानते हो ना, खतों को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपने पूरी लाइन में जो ब्लैंक्स हैं उसमें आपने ए आई एल लगाना है, ठीक है, तो आपको एक वर्ड मिल जाएगा, देन यू हैव टू प्रोनाउंस दैट, ठीक है। नंबर 2 में आपने एफ आर ओ लगाना है सब में, तो एफ आर ओ मैंने फर्स्ट वाले में लगाया तो उसका क्या बन गया? फ्रंट, ठीक है। अब अगर आप एफ आर ओ एम करोगे तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्म। पेरेंट्स प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि मे भी बच्चों को ये वीडियो से इतने आराम से समझ ना आए, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगर बोर्ड होता और ये सामने होते तो बहुत आराम से हो जाता, 2-3 मिनट का काम था। बट प्लीज़ अगर बच्चे को समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूज़न हो रही है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कर दें। अच्छा, नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे डबल ओ लगाना है आपने, जितने भी ब्लैंक्स हैं सब में डबल ओ लगाना है, तो बन जाएगा शैम्पू, बुक, बूट, फुटबॉल, ठीक है। इसी तरह नंबर 4 पे आ जाए, नंबर 4 वाली सारी लाइन में आपने क्या लगाना है? ओ आर एन, ठीक है, ओ आर एन, तो डब्ल्यू ओ आर एन, वॉन मतलब पहना हुआ, ठीक है। और नंबर 5 वाले में अपने ए एन लगाना है, ठीक है। ये सारे जो मैंने वर्ड्स लगाए ये मैंने ऊपर से लिए, मैंने लिस्ट में से। अच्छा बच्चे, अब आप जब ये फाइंड कर लो, ठीक है, आप पूरा फिल कर दो इसको, तो इसके बाद आपने इसके मीनिंग्स भी फाइंड करने हैं। दिस इज योर एक्टिविटी मेरी जान, ठीक है। आप